पूरा खा लोगे ना? अरे खा लूंगा, और खाने के बाद एक और मंगवा देना, ठीक है? अभी ऑर्डर कर दो, तब तक आ जाएगा, ठीक है? मंगवा मंगवा। सुनो, पिज्जा आ गया है, पिज्जा खा भी रहे हो, ये दो तीन ठूस भी चुके हो, तो अब बात आती है हमारी बात पे। तुमने कहा था कि पिज्जा आने के बाद तुम हमारी बातें मानोगे, जो हम तुमसे कहेंगे वो करोगे। तो बात यह है कि तुमको अब दौड़ना होगा 5 किलोमीटर, हर एक पिज्जा का 5 किलोमीटर, ठीक है? ये क्या बात होती है, एक पिज्जा के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा? ये तो चीटिंग है। हाँ, तो तुमने प्रॉमिस किया था, अब प्रॉमिस पे अब डटे रहो तुम। प्लीज 1 किलोमीटर कर दो, एक ही की प्लीज। बढ़ा देंगे, सच बता रहे हैं, एक पिज्जा पे 5 किलोमीटर और दौड़ना स्टार्ट करेंगे। अभी से उठो, चलो उठो, प्लीज 1 किलोमीटर कर लो। नहीं नहीं नहीं, उठो, चलो चलो उठ, चलो जाओ 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 जाओ। अरे वो तो रख के जाओ, इसको बग्घी में बांधना चाहिए। आपने हमें बुलाया मैडम? हाँ हाँ, हमने बुलाया, आई आई। दरअसल बात यह है पुष्पा जी कि फॉर एग्जाम्पल आपने जोश जोश में आकर बंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली, लेकिन वो आपसे हैंडल हुआ नहीं, 2 दिन में वापस भेज दिया और भर भर के खिला दिया उसे पिज्जा। हम समझते हैं कि वो सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल ही थी हैंडल करना, लेकिन अब यहीं फिर उम्र की बात आ जाती है ना, जो चीजें उम्र के साथ छोड़ देनी चाहिए वो छोड़ देनी चाहिए उम्र के हिसाब से। मैडम सर, अब इसमें उम्र कहाँ से आ गई? अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, बच्चा भी क्या है। मैडम सर प्लीज कंटिन्यू। वो बच्चा है ना, वो बच्चा बहुत ही अड़ियल है मैडम सर, हद से ज्यादा अड़ियल है, उसके खुद के माँ बाप उसे सुधर नहीं पाए हैं। हाँ, तो हम क्या कर लेते? करिश्मा सिंह कर सकते हैं, मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद करिश्मा सिंह ये काम करवा सकती हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ही सब्र के साथ और पेशेंस के साथ शायद कर लेंगी, है ना? तो इनफैक्ट हम तो ये भी सोच रहे थे कि पुष्पा जी की अब आप आराम कीजिए, हम आपका काउंसलिंग का डिपार्टमेंट करिश्मा सिंह को सौंप देते हैं, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए लाइफ में, ठीक है? ये तय रहा फिर। नहीं 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 मैडम, मैडम सही क्या कह रही हैं आप, ये काउंसलिंग उनके बस का रोग नहीं है। एक काउंसलिंग जो है वो हम कर सकते हैं, हमें आता है, वो भी आप अगर उन्हें दे देंगे तो। नहीं नहीं, प्लीज 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 रोइए मत पुष्पा जी। आप देखिए, दरअसल सिचुएशन भी कुछ ऐसी बन गई है ना कि हमें दावे के साथ कह सकते हैं मैडम सर कि करिश्मा जी के बस की बात नहीं है ये। हम आपको लिखे ले 4 दिन, आप 4 दिन में देखिए, 4 दिन में साबित हो जाएगा वो ये सब कर सकती है कि नहीं। हाँ, मगर काउंसलिंग उनके बस का रोग नहीं है मैडम सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, 2-4 दिन देख लेते हैं सिचुएशन कैसी बनती है, फिर डिसाइड करेंगे कि आप कर रही हैं या करिश्मा सिंह कर रही हैं, ठीक है? प्लीज अब रोना बंद कीजिए। अभी हम जाएंगे, रुके, प्लीज जाइए। करेंगे काउंसलिंग, हर किसी का काउंसलिंग, पूरी दुनिया का काउंसलिंग आप भी करेंगे। एक दिन हमें काउंसलिंग लगेगी सास बहु के चक्कर में। ढंग की चाय पीने के लिए आ जाओ। मतलब तुम इतना कंगाल हो गए हो कि तुम अब चाय का बिल भरवाने के लिए हमको यहाँ बुलाओगे? तुमको शर्म नहीं आता बिल्ले? और बिल्लू के पास बिल के पैसे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लीज सिट। वो क्या है, ढंग की चाय इसलिए पी रहा हूँ कि बदनाम की जहर का असर थोड़ा सा कम हो इसलिए, और गुट्टी के साथ मैं आपको बैड न्यूज देने वाला हूँ। ए, दो बढ़िया सी चाय देना फर्स्ट क्लास, और तुम तो जार में चाय पीते होगे, इसके पास जार है नहीं तो रहने दो। बैड न्यूज का है? बैड न्यूज, हाँ बैड न्यूज, ये चाय तो पीजिए। नहीं पीना हमको। नहीं पीने, ठीक है, गुट्टी है।
तो बैड न्यूज ये है, जो फ्रूट वाला जिसकी आपने कुटाई की, आपने भौकाल दिखाया, वो मैडम सर के सामने गिड़गिड़ाया, अपना जुर्म कबूल किया। हाँ हाँ, तो उसका क्या? वो कह रहा है कि मैं जेल से निकलती ही सबको बताऊंगा कि मैंने कन्फेशन नहीं दिया है। वो सिर्फ आपके डर के वजह से, भौकाल के वजह से उसने जुर्म कबूल किया है। वो कह रहा है कि मैंने जो जुर्म किया ही नहीं वो मैं कबूल क्यों करूं? झूठ बोल रहा है वो। लोगों की आंखों में धूल झोंकता है, उनको धोखा देता है, उनकी थैली बदल देता है गंदे फ्रूट्स के साथ, तो बोलता है कुछ नहीं किया। कितने कंप्लेन है उसके खिलाफ पता है तुमको? करिश्मा मैडम, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है मैडम सर। मतलब मैडम सर को अभी लगता है कि आप में बहुत सारा संयम आ गया है, लेकिन मैडम सर को जब ये पता चलेगा कि भौकाल की मुंडेर पर कोई संयम की चिड़िया बैठी ही नहीं है, तब क्या होगा? आपकी इज्जत की धतिया उड़ जाएगी। जो काम दो चार छप्पड़ लगा के हो सकता है, उसके लिए काहे हम ये सारंगी बजाने बैठे हैं वहाँ पे उसके सामने, वो भी इतना धूप में। हाँ, पॉइंट तो है। इसलिए हमको जो ठीक लगा हमने कर दिया, जो होगा देखा जाएगा। अरे वाह, 2 किलो कम हुआ है। तुम जाओ, तुम पैकिंग करो, तुमको शाम को पहुंचा देंगे घर पे। मैडम सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो मशीन है ना, हाँ ये खराब है, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मशीन खराब नहीं है, आपकी आंखों में हमारा छवि खराब है। हम कुछ भी कर ले हम रहेंगे निकम्मे के निकम्मे, घर पे भी और थाने में भी। नहीं मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, कसरत करा रहे हैं, भगा रहे हैं, खाने में कटौती कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मशीन खराब है ये कहाँ से दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, अरे फिर तो आपकी मेहनत उस पे भी तो दिखनी चाहिए कि नहीं? इंच भर भी फर्क नजर नहीं आ रहा है उसमें कहीं। तो बच्चा है, गुब्बारा नहीं है, पिन मारा ठुस करके उसका हवा निकल गया, जमाने का फैट है उसके अंदर, जाते जाते जाएगा ना, क्रांति एक दिन में घट जाता है क्या? क्या ये बदलाव कम नहीं है कि उसको जब पूछते बर्गर पिज्जा खाओगे तो वो मना कर देता है? हाँ, दिखाते हैं अभी आपको बंटी। हाँ, दिखाइए दिखाइए बंटी। बुलाइए उसे, अभी बुलाइए। बंटी, अरे अभी पूछिए। ये तो वाकई अच्छी बात है। बेटा ये बताओ कि बर्गर खाओगे? नेकी और पुछ। अरे मंगाओ, एक बर्गर नहीं 4 बर्गर खाऊंगा, आप मंगा लो। अब देखिए कैसे इनकी हवा फुस हो जाती है, हाँ संयम फुस हो जाता है। अरे हमने कहा था ना आपसे, कैसे इनका संयम खत्म हो जाएगा, कैसे इनका अंदर का जहर बाहर आता है, देखिए आप। जरूर खिलाएंगे, बर्गर खाना ना तुमको हम खिलाएंगे, लेकिन तुमको याद है ना उसके बाद तुम्हें क्या करना है? जो हम कहेंगे वैसा करोगे, 20 किलोमीटर की दौड़ लगाओगे तुम हमारे साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है, वादा वादा होता है, मैं पक्का दौड़ पे जाऊंगा, लेकिन पहले आप बर्गर मंगाइए। हाँ हाँ, मंगाएंगे, उसके बाद दौड़ लगाएंगे, है ना? मैडम सर एडिक्शन है, ऐसे जाते जाते जाएगा, एकदम से कैसे कोई खाना छोड़ सकता है? हाँ। फिलहाल हमें संयम से काम लेना होगा और उस नुकसान से बंटी को बचाना जो उसने फास्ट फूड खा खा के अपने शरीर में कर लिया, वो सारी बीमारियों से उनको बचाना है ना? करिश्मा सिंह, हम आपके मुंह से यही सब सुनना चाहते थे। आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पेशेंस, आपका ये बदला हुआ नजरिया देखकर हमें सच में बहुत खुशी हो रही है। आप इसके ऊपर तो काम करिए ही करिए, उसके साथ साथ हमें लगता है कि थाने में अब से जितने भी केसेस आएंगे सबकी काउंसलिंग का काम आप करेंगे। हमें लगता है ये काम आप बहुत अच्छे से कर पाएंगी। पुष्पा जी को अब जरा लाइफ में आराम देते हैं, ठीक है? गुड लक और ऑल द बेस्ट। मैडम सर सुन, क्या हुआ? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा फील कहां आ रहा है पुष्पा जी आपको? कुछ तो गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़। ख्याल रख बंटी। पुष्पा जी, का प्रपंच है ये? हाँ चूरन समझो हमको, तुम भागोगे 20 किलोमीटर? हाँ इतना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ हमारी सास ने आज तक नहीं बोला जितना तुम कौन चीज हो बे। हाँ जब दौड़ने के लिए जाएंगे तब पता चल जाएगा। तुम्हारा ये जो खुराफात चेहरा है और जो तुम्हारी ये खुराफात स्माइल है ना, ये हमको बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। हाँ ये देखिए, वो फ्रूट वाला जिसकी आपने कुटाई की, भौकाल दिखाया। हाँ तो उसका का? वो कह रहा है कि मैं जेल से निकलती सबको बताऊंगा कि मैंने कन्फेशन दिया, वो आपकी डर के वजह से, आपके भौकाल के वजह से, ना ही अपनी मर्जी से दिया है। वो कह रहा है कि जो जुर्म मैंने किया ही नहीं वो कबूल क्यों करूं? तुम्हारी तो अब आप 4 बर्गर यहीं पे मंगा के खिलाएंगे और उसके बाद हम दौड़ पे जाने का नाटक करेंगे और फिर उसके बाद 2 लार्ज पिज्जा और फिर नाटक, और अब जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक यही नाटक चलेगा। नहीं तो आपको पता ही है कि ये वीडियो जाएगा सीधा हसीना मैम के पास और फिर जो आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जो आपको गुड वेरी गुड मिल रहा है, वो सीधा बैड वेरी बैड में बदल जाएगा। तो बताने की ज़रूरत नहीं है और आप जानती ही हैं। तो कैसी रही?
इधर सुनो। आपने बंटी की पब्लिक प्लेस में इंसल्ट किया, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अभी मैं हसीना मैम को आपका वीडियो भेजता हूँ। और आप क्या तमाशा देख रहे हैं, अपना अपना काम कीजिए ना। हाँ, या कल के छिलके, तुमको इतना अक्कल नहीं है कि तुम इतना दौड़ के आओगे 20 किलोमीटर तो थक नहीं जाओगे, पसीना नहीं आएगा। ये पानी नहीं है, पसीना है, ताकि हम लोगों को ये दिखाएंगे कि तुम 20 किलोमीटर दौड़ के आए हो। क्या समझे? स्मार्ट, आई लाइक इट। आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। सुपर एक्टर हूँ और वैसे भी अब तक पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके मैं इतना पिज्जा बर्गर खाया हूँ। क्या बात कर रहे हो, तुम बचपन से लगे हुए हो। हाँ तो बिना ब्लैकमेल करे बच्चों की आजकल सुनता ही कौन है। और वैसे भी अब इतना पसीना आ ही गया तो एक और प्लेट पिज्जा मंगा लो। एक और खाओगे? हाँ, फट जाओगे। लाओ भैया एक और ला दो पिज्जा इनका। Yes, boss, why the call bill the spy? हाँ, वो जामुन नगर वाला केस है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है। चलो वहां जाके करते। ओके, चलो चलो। बिल्लू, हम तुमको बता नहीं रहे थे हमने फ्रूट वाले से कैसे धोखे से उसका बयान निकाल दिया था, है ना? तो इस आफत के गोले ने ना वो रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में। क्या? हाँ, और अब ये हमको कर रहा है ब्लैकमेल आपको। हाँ, और तुमको क्या करना है, कैसे भी करके इसके फोन से वो रिकॉर्डिंग डिलीट करना, नहीं तो ये हमारी जान खा जाएगा और कहीं हम इसको जान से ना मार दे। यू जस्ट रिलैक्स एंड सिट, आई एम बिल्लू द स्पाय, रिकॉर्डिंग करूंगा डिलीट। आराम से मौत को छू करके वापिस आया है अभी तुम। आराम से। हाँ, आराम से। ए वापिस चल चल। गुड बॉय, गुड बॉय। वापिस आ। तू यहाँ क्या कर रहा है? ड्यूटी पे पिज्जा उड़ा रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती? इसको कहा जानता है क्या किया है? क्या? हमारा और संतु जी का दूल्हा दुल्हन वाला फोटो था, ढांप लिया है, ब्लैकमेल कर रहा है कि हर आधा घंटा पे अगर इसको पिज्जा नहीं खिलाए ना हम, तो हमारा वो फोटो जब इंटरनेट पर डाल देगा। तुम तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन जानते हैं, कितना फलावर कितना फैला हुआ है। हाँ। जिस हिसाब से ये पिज्जा खा रहा है ना, पूरा महीना का सैलरी इसके पेट में डाल देंगे हम। निठल ले। हाँ? चिंता मत करो, तेरे साथ है तेरा दोस्त बिल्लू द स्पाई। देखो, करिश्मा मैडम का वीडियो इसके मोबाइल में है। हाँ, 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 हाँ। इससे मैं मोबाइल चुरा के वो डिलीट कर दूंगा। हाँ। साथ में तेरा फोटो भी डिलीट कर दूंगा। ये रखना। ए बिल्ले, थैंक्स यार। तबला नहीं बजाना है, डिलीट करना है। क्या कर रहा है? पासवर्ड नहीं, कैसे खुलेगा? सॉरी, बट ये पिज्जा तो आपके नसीब में नहीं है बिल्लू द स्पाई अंकल। व्हाई व्हाई व्हाई? क्योंकि अब ये मैं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो फोन है उसमें तो वीडियो ही नहीं है। वीडियो तो इस फोन में है। और आप लोगों का ये फोन को चोरी करते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है इस फोन में। कैसे? मैंने यहाँ छुपा के जो रखा था। तो उसको ऑन किसने किया? ये तो पहले से ही ऑन था। अब अगर आपको बचना है ना, तो मुझे आपको 3 बर्गर और खिलाने पड़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो जाएगी हसीना मैम के पास और आप जाओगे थाने के बाहर। ना बंटी, ना बच्चा, ना बाबू, माफ कर दे प्लीज। बी अभी निकलो। आने दीजिए मैडम सर को, सब बता देंगे। और हाँ, काउंसलिंग तो हम ही करेंगे। जय हिंद मैडम। जय हिंद पुष्पा। मैडम सर, मैडम सर, देखिए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये बंटी तो अभी भी सारा दिन बस खाते हुए नजर आता है।
सब लोग उसको फास्ट फूड ऐसे मंगा मंगा कर खिला रहे ना, जैसे उसको सुधरने के लिए नहीं आया है, बारात में आया है। थोड़ा धीरे बोलिए, वॉल्यूम। हमको तो लगता है ना ये करिश्मा जी जरूर कोई साजिश कर रही है, बहुत बड़ा गेम खेल रही है वो। हम सुबह सुबह आपका ये सास बहू का ड्रामा नहीं सुन सकते, हमें नहीं जानना। मैडम से सुनिए तो, सुनिए तो आप। अच्छा ठीक है बोल। ड्रामा नहीं है ये, हमारा जमीर चीख चीख कर कह रहा है कि पुष्पा खुद पर अन्याय मत होने देना। इसलिए देखिए मैडम सर, जिस तरह से उसको फास्ट फूड खिला रहे ना सब लोग मंगा मंगा कर, हमें लगा ही था कि शर्त किया उसका वजन बढ़ गया होगा, इसलिए हमने उसका वजन, ये देखिए देखिए हमने उसका वजन किया, वजन चेक किया और पता है आपको उसका वजन कितना बढ़ गया है? 90? 102 किलो। क्या? कोई 45 मिनट तक एक ही जगह जॉगिंग कैसे कर सकता है? नहीं नहीं ये गड़बड़ है, लोकेशन क्या है? क्यूब्स एंड कप्स कैफे मैडम सर। देखा देखा यही हमारा जमीर चीख चीख कर यही कह रहा था। जी प्लीज अपने जमीर को कहिए कि वॉल्यूम कम करे, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। कोई 45 मिनट तक एक ही जगह पे जॉगिंग कैसे कर सकता है, और वो भी क्यूब्स एंड कप्स कैफे में? हाँ जरूर पिज्जा खा रहे होंगे। आ गए मैडम सर, वो आ गए। देखिए पूछिए बात कीजिए आप पूछिए उनसे, इसलिए हम कह रहे थे ना हमारा जमीन। ये देखो पसीने से लथपथ। कितने किलोमीटर दौड़ लगाई? यही कुछ 20-25 किलोमीटर मैडम सर। 25 किलोमीटर 45 मिनट में? जाओ 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 तुम टी-शर्ट बदलो। दो पिज्जा ऑर्डर? हाँ नाना माता। करिश्मा सिंह हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप यहाँ सामने खड़े होकर हमसे मुंह पर आप झूठ बोल रही हैं। 25 किलोमीटर दौड़ना तो दूर, इस लड़की की हालत देखकर लगता है कि इसने 25 पिज्जा खाए होंगे। हमने पुष्पा जी से रिस्पांसिबिलिटी लेकर आपको इसीलिए दी थी क्योंकि हमें लगा था कि आप इसे अच्छे से निभा पाएंगी, तो फिर क्यों सब कुछ आपने उल्टा कर दिया और इसकी हर नाजायज हरकत में इसका साथ दे रही है? मैडम सर वो कहते हैं ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हमने आपको ये कह दिया था कि हमने उस फ्रूट वाले को रंगे हाथों पकड़ा, जबकि ऐसा नहीं था। हम वहाँ पे धूप में 3 दिन सारंगी बजा रहे थे उसके ठेले के सामने ताकि हमें कोई सुराग मिल सके, लेकिन हमारे कोई सुराग हाथ लगा ही नहीं, इसलिए हमारा सबर का बांध जो था ना वो टूट गया और 4 जूते मारे हमने जाके, तब उसने अपना सच उगला। ये सच है कि वो झूठी थैली बदलता है और लोगों को गंदे फ्रूट्स और कम तुले हुए फ्रूट्स देता है, ये सच है मैडम सर, उसने तब उगला जाके। बहुत मारा मैडम, तबीयत से कूटा है। चुप हो जाओ नहीं तो जान से मार देंगी। और मैडम सर ये बात हमने बिल्लू से किया तो इस बंटी के बच्चे ने वो सारा रिकॉर्ड कर लिया, तब से हमको ब्लैकमेल कर रहा है कि हम ये बात बता देंगे नहीं तुमको पिज्जा खिलाओ, तब से पिज्जा पे पिज्जा खाया जा रहा है बिना हिले। क्या? हमको भी ब्लैकमेल, हमको भी। अब तक हम सोच रहे थे कि एक नॉर्मल से बच्चे के फूड एडिक्शन का मामला है, लेकिन ये तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। बहुत बड़ा। ये एडिक्शन नहीं है, ये एक बीमारी। इस बच्चे को बहुत सीरियस बीमारी है जिसकी वजह से ये सही गलत जायज नाजायज सबकी सीमाएं सब कुछ भूल चुका है, और इतनी आसानी से हम इसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस बच्चे की फ्यूचर का सवाल है। इस तरह से अगर होता रहा तो फिर ये न जाने आगे जाकर क्या क्या करेगा। नहीं, इस बच्चे को हमारी मदद की जरूरत है, इसकी बीमारी का इलाज हम निकालेंगे, बचाएंगे इसे। रास्ता तो रास्ता, हट जाओ पिज्जा ऑर्डर, हट जाओ रास्ता। रे, रे, एक मिनट, ए पिज्जा का बिल्डिंग कहाँ घुसे चले जा रहे हम? ए चीता भाई ऑर्डर मिला है यार। चीता भाई कौन है रे? ए शकल दिखाओ अपना, देख लो शकल। अरे यार ए पिलोटा पकड़ पा रहे यार। एक मिनट पकड़। अरे मर पंखिया तुम है, है? का किया सैलून का दुकान बंद करके नया धंधा शुरू किया है क्या तुम? अरे मैडम सर ने मंगवाया। एक मिनट शांत हो जाइए, ये सारे पिज्जा हम ही ने मंगाए। क्या? रखो। ओ माय गॉड, इतने सारे पिज्जा। ये हमने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, आज की पिज्जा पार्टी हमारी तरफ से, ये हम सब के लिए है। क्या? सच में? नहीं मैडम सर, हम ये बाजार का हानिकारक चीजें नहीं खाते, हमको बिल्कुल नहीं पसंद, हम नहीं खाएंगे। कोई बात नहीं हम खा लेंगे, वैसे भी हमें आदत है इनका बोझ उठाने का, घर में भी तो सारा काम हम ही करते हैं, इनका सारा बोझ। पुष्पा जी और करिश्मा जी, जी हम आपको पूछ नहीं रहे, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये पिज्जा हम सबको खाने हैं, एंड दैट्स एन ऑर्डर। हम खा लेंगे मैडम सर, सिर्फ पिज्जा।
बाद में जूते भी हैं, खाओगे? चलिए चलिए, इंतजार किस बात का, शुरू कीजिए। वाह वाह, मजा आ गया। वाकई बहुत मजा आया, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि मन नहीं भरा। बिल्कुल तो क्या कहते, फिर और मंगाएं? तो बस फिर इकबाल, जितने पिज्जा लेकर आए हो वापस उतने ले आओ। आपके खाते में? खाते में वो बोला है, वो करना खाते में क्या? अरे मैम, मैं तो कहता ही था ये पिज्जा बर्गर होते ही इतना टेस्टी है, एक बार खाओगे बार बार खाओगे। बिल्कुल सही कह रहे थे तुम। थैंक यू, तुम्हारी वजह से हमें पता चला कि ये कितनी टेस्टी चीज है। अब तो लगता है हमें भी इसका एडिक्शन हो ही जाएगा। अब ये खाने का ओवरडोज ही करेगा बंटी के एडिक्शन का इलाज। चलो शाम को मिलते, ठीक है? ओए, ओए इकबाल, अरे बर्गर पिज्जा खाना नहीं है क्या? ये ले। दो भाई, दो दो। थैंक यू बदनाम भाई, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया है बर्गर, वाह। अरे आप दोनों तो वही है ना? अरे भाई भाई हाँ। लेकिन आप दोनों अपना भैया से अंकल कैसे बन गए? अरे सब तेरी मेहरबानी है, आ जा। अरे गले भी मिल नहीं पा रहा, सब तेरी मेहरबानी है। अरे लेकिन मेरी मेहरबानी कहाँ से हो गई? भाई जब से तुम पिज्जा बर्गर की लत लगा गए हो ना, देखो थोड़े हम लोग बटूरे हो चुके हैं यार। ए बना भाई, इतने से कुछ होगा नहीं। एक और ऑर्डर करते, एक और। दो 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 कर दो। हाँ। अरे 500 का नोट गिर गया। एक मिनट उठाओ। अरे उठाना नहीं हो रहा है। आओ, आओ। नहीं भाई, तुमसे भी नहीं होगा यार। ए ए भैया, नोट दे देना, उठा के दे दो हमको। दे दो। क्या बात। अरे अरे भाई, अरे कोई पकड़ो उनको, चोर का। अरे कुछ भागो आप उनके पीछे। अबे चपड़ जी, ये सब तेरे वजह से हुआ है, मेरा पास का नुकसान भी हुआ है, समझे कि नहीं? चल ला पैसे। मैं नहीं दे रहा। अरे कौन देगा? अरे हमारे हाथ में जिम्मेदार तुम हो। अरे जीता अंकल आप। अंकल ना, अंकल ना। अरे बंटिया, क्या रे बंटिया, क्या हाल चाल, कैसे है बाबू तुम्हें? एकदम मस्त हूँ जीता भैया। लेकिन आपने ये क्या हाल बना रखा है? पहले तो आप मस्त स्लिम ट्रिम हुआ करते थे, अभी मस्त तोंदल तोंदल हैं। यार अभी आप एकदम से पुराने फिल्म के हीरो की तरह टूल टूल कैसे हुए हैं? पिज्जा बर्गर इतना खाए कि एक एक्स्ट्रा अंग पाल लिया हम अपना देह पर बाबू। अब कोई काम धंधा नहीं होता है, हमसे मगरमच्छ की तरह ऐसे ही फैले हुए कहीं भी कुछ पड़े रहते हैं, अदरक की तरह फैलते जा रहे हैं, रुक रहे ही नहीं है। करिश्मा मैडम आती है, उनको गरिया के निकल जाती है। हसीना मैडम आती है, वो उनको मार के निकल जाती है। और सबसे भारी जो नुकसान हुआ है ना हमारी जिंदगी में, तुम क्या बताए हम तुम? क्या हो गया बताओ तो। संतू जी हमको छोड़ के चली, बोली कि हमको इंसान से शादी करना है, हलवाई से नहीं। क्या बताए तुमको? वो तो होना ही था, उसे मैंने फोटो देख के बता दिया था। मजाक कर रहे हैं ना? मानेंगे एक मुख का नाच के गिर जाएगा, मजाक नहीं करना हमसे तुम। वहाँ अंदर कौन है? आवाज किसकी आ रही है? भालू बांध रखे हैं हम लोग। थाना है तो हमारे स्टाफ ही होंगे ना? पुष्पा जी हैं बापू। हाँ बंटी, चल बच्चा चल, नुनु चल चल तुम चल, पुष्पा जी मिला चल। अरे पुष्पा जी देखिए कौन आया है। अभी नहीं, कल पिज्जा बर्गर खिलाया था ना हम लोग को। बंटिया कहाँ है पिज्जा? कहाँ है पिज्जा? माँ बंटी के पेट में है। कहाँ है पिज्जा? अरे बंटी तुम? बंटिया है। हटो हटो, आराम से माँ, पेट है। हाँ हाँ हाँ, अरे झुक नहीं पाते ना। बोलो कैसे हो तुम बेटा, बहुत दिनों बाद आए तुम। आपको भी पिज्जा बर्गर की आदत लग गई? बहुत। अरे कहाँ है सब लोग? ओहो, अरे कोई डंडा उठाने में हमारी मदद करेगा? आ रहे मैडम सर, आ रहे। चलिए चीता पुष्पा जी, आई आई मैडम सर, आ रहे आई। एक मिनट वेरी गुड, आज हमारी तरफ से तुमको एक और बर्गर। पहले मुझे उठाओ कोई।
उठा। इसको चाय पीना था, बाहर छोड़ के आते हैं। हाँ ठीक। अरे ए, उठा के जाना, छीके नहीं। अरे बंटी बेटा कैसे हो, पढ़ाई वगैरह सब ठीक चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय हिंद मैडम। जय हिंद जय हिंद। चाबी मत गिराइएगा, उठाने वाला कोई नहीं। नहीं नहीं मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। बंटी तुम यहाँ कैसे हो? मम्मी पापा चौकस एकदम सब? हाँ सब बढ़िया। अरे वाह। अरे पिज्जा बर्गर खाओगे क्या तुम? हमने इतना पिज्जा बर्गर मंगा लिया है कि फास्ट फूड वाले हमको 70% ऑफ देते हैं। अरे 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 अच्छा ना, कुर्सी लाओ बैठा दो। बैठो बैठो। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ यार। अरे नहीं नहीं इतना स्ट्रेस मत लो बंटी, हम डॉक्टर से ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखो उनका ऐसा कहना है कि अब इतना फास्ट फूड खाएंगे तो हार्ट अटैक तो आएगा ही। हार्ट अटैक किसको? अब कोलेस्ट्रॉल इतना प्रेशर देगा हार्ट पर तो फिर कितना ही बचेगा ना इंसान, इसलिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड है ये दुनिया छोड़कर जाने के लिए। पिज्जा खाओगे? बचा हुआ हाँ मम्मी। बंटी बेटा तुम कहाँ पर हो? यहाँ कुछ लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास खतरनाक हथियार है। बेटा तुम कहाँ पर हो, जल्दी से घर आ जाओ। मम्मी मैं यहीं पुलिस स्टेशन में हूँ, आप चिंता मत करो हम आ रहे हैं। आप लोग प्लीज फटाफट घर चलिए, घर पे चोर आए हैं। अरे देखिए जरा क्या हुआ इन्हें। मम्मी आप घबराइए मत, हमारे गोली 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 कहाँ है? हाँ हमारे पास है दवाई। अरे आप लोग जल्दी कीजिए ना, जल्दी चलिए। रुकना यार बेटा, जल्दी आ जाओ, ये लोग हमें मार डालेंगे, प्लीज जल्दी से आ जाओ। हाँ ये लीजिए। जल्दी करो मर जाएंगे। नहीं जाने देंगे आपको, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। बेटा प्लीज जल्दी से किसी को लेकर आ जाओ। अरे मम्मी हम लोग आ ही रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं होने देंगे और आपको भी नहीं होने देंगे, प्लीज जल्दी चलिए, मेरे मम्मी पापा की जान का सवाल है। हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं, पहले हथियार तो लेने दो। लाओ लाओ भाई बंदूकें लेकर आओ, सब सारा वेपनरी लेकर आओ, हम उठने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक आप मत उठिए। उठिए उठिए करिश्मा सिंह, ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, हाथ तो जरा। एक मिनट पुष्पा जी, जल्दी लाइए हथियार। आ गए आ गए, चलिए जल्दी चलिए। हमारी चलो चलो बेस्ट ऑफ लक। ओ पिज्जा विथ टी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। मार दिया, गोली मार दिया। अरे कैसा, बैठ नहीं तो बंदूक फेंक के मारेंगे, चार टुकड़ा में बढ़ जाएगा। तुम यहीं पे बैठ। मम्मी मम्मी क्या हो गया? मम्मी उठिए ना मम्मी प्लीज। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। हाँ आप लोगों की वजह से गई है मेरी मम्मी पापा की जान। अगर आप लोग इतने अनहेल्दी और अनफिट नहीं होते तो आज मेरे मम्मी पापा की जान नहीं जाती और हम लोग यहाँ टाइम पे पहुंच जाते। बेटा बंटी देखो, I'm really sorry for your loss, पर अब क्या करें, हमने जब से ये फास्ट फूड खाना शुरू किया है हम में से कोई भी फिट है ही नहीं। हम में से किसी में उतनी एनर्जी नहीं है जितनी एक पुलिस ऑफिसर में होनी चाहिए। इस वजह से हम यहाँ देर से पहुंचे और ये सब हो गया। ए बंटी, ए बच्चा, ए बाबू, रो ना बाबू। एक तरह से देखा जाए तो इसमें सारी गलती हमारी नहीं है, तुम्हारी भी है। मेरी वजह से? माओ तो फिर ये हमको इतना फास्ट फूड खाना, ये बर्गर पिज्जा खाने की आदत किसने डलवाई है? तुम्हें ना डलवाई है। वैसे आप सही कह रही हैं, इस सब की वजह मैं हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। टेस्ट के लालच में मैंने पूरी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप सब लोग ये बुरी आदत छोड़ दीजिए। तो क्यों ना शुरुआत तुमसे ही करें। तुम ये सब खाना छोड़ दो, हम भी छोड़ देंगे। वैसे भी हमने ये सब तुम्हें देखकर ही सीखा है ना, तो तुम्हें देखकर हम छोड़ भी देंगे। तुम हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो। करोगे? छोड़ दिया। दीदी आज से मैं वादा करता हूं
कि मैं आज से कभी जंक फूड नहीं खाऊंगा और ना ही मैं खुद खाऊंगा, अपने फ्रेंड्स को भी इसके नुकसान के बारे में बताऊंगा और उन्हें भी रोकूंगा कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। जो मैंने खोया है मैं नहीं चाहता हूं कि कोई और खोए। बंटी बेटा आपने कुछ नहीं खोया। मम्मी पापा मत रो, तुमने कुछ नहीं खोया, उल्टा हमने पाया है अपने बेटे को। जी हाँ, फूड एडिक्शन का नुकसान तुम्हें समझाने के लिए हमें छोटा सा नाटक करना पड़ा और इस नाटक में सबसे अहम भूमिका निभाई है तुम्हारे मम्मी डैडी ने। आई सब कुछ नाटक चल रहा है, ये देख एक सेकंड। मतलब ये सब नाटक था? बिल्कुल नाटक था। अरे हम पुलिस वाले, हम इतने इनएफिशिएंट कभी नहीं हो सकते। बंटी लेकिन हम तुम्हें एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, फास्ट फूड बुरी चीज नहीं है, अच्छा है, लेकिन कभी कभी किसी भी चीज का कभी एडिक्शन नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए कि उससे आपकी हेल्थ को नुकसान होने लगे, आपका शरीर खराब होने लगे। हर चीज लिमिट में अच्छी है और वो लिमिट हम सबको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं अब तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। मैडम हम जानते हैं इस थाने की जादू की छड़ी कभी फेल नहीं हो सकती, हमें हमारा बेटा लौटाने के लिए और इस थाने की और आपकी जादू की छड़ी के लिए इतना तो बनता है। भगवान क्या कर रहा हूं मैं, पूछा ये देख कैसे दाग 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 कर दिया है अपने करियर जैसा। हाँ तो करो ना, साफ करो ना। एक पैर उठा। हाँ कर, साफ कर। दूसरा उठा। हाँ दोनों उठा। हाँ खेल रहा है हमारे साथ। तू जाना है तो छलांग लगा कर जाना, सिर्फ नाम का चीता है तू। थल्ला साफ करूं, एक दिन करियर के साथ तो तुम्हें भी साफ कर दूंगा मैं, देखना। पोछा पोछा दिलो दस पाए पोछा। आपको अलग से बताना पड़ेगा नहीं? मैडम पैर उठाओ। मैडम देखो ये सीनियर है, बहुत काम करती है, तुम्हारी तरह निठल्ली नहीं है। एक मिनट, हम उठाते हैं उनको। हाँ एक मिनट। मैडम 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 देखिए ना, बिलोटा को काका बोल रहा है, एकदम फालतू बोल रहा है। ए, क्या बोल रही? हाँ हाँ बोल रहा है मैडम। बोल, अब तक उठ के तुमको गरियाई नहीं और ना ही तुम्हारे मुंह पर अपना पंजा उखाड़ी, इसका ही मतलब हुआ कि बहुत गहरा नींद में सो रही है। उठा कर रखना पड़ेगा इनको साइड में। हाँ हाँ उठाए। उठा बिलोट उठा। ऐसे तो कमर निकल जाएगी, ये एक निठल्ले का काम नहीं है, दो निठल्ले की जरूरत है। हम आ गए। अरे रे ये देखो निठल्लों का नाम लिया, निठल्ले हाजिर। आओ हाँ उठाओ। अरे यार भाई नहीं उठेंगे मैडम। कौन है रे? अरे मैडम सर, जय हिंद मैडम सर, जय हिंद मैडम। ये क्या हो रहा है? हाँ बाबा, अब हम पोछा मार रहे थे और ये सोई थी। हाँ तो कैसे जगाते हैं? अगर इनको जगाते तो हम सबको ये हमेशा के लिए सुला देती, इसीलिए इनको उठा के यहाँ पर रख दिया और अंदर आराम से साफ सफाई का अभियान चालू है। ठीक है ठीक है, जाओ तुम लोग भी जाओ अंदर। जाओ 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 अंदर जाओ अंदर जाओ। ये चल हमारी दुकान इधर, तो हम उधर जाएंगे। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह। जय मैडम सर, सॉरी हमारी आंख लग गई थी, पर हम अंदर सोए थे, हम बाहर कैसे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बताते हैं, बिल्लू पोछा लगा रहा था, वो आपको उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो आपको कुर्सी के साथ उठाकर बाहर ले आया। लेकिन एक मिनट, ये बताइए कि आपको क्या हो गया, आपको इस तरह से हमने ऑन ड्यूटी कभी सोते हुए देखा ही नहीं।
ये सब सासू मैया की वजह से हो रहा है मैडम से. रात भर जागरण करती रहती है और रात भर सास बहू साजिश वाला प्रोग्राम देखती रहती है, वो भी लाउड स्पीकर पर. उस चक्कर में हमें भी नींद नहीं आ रहा है, उनके चक्कर में हमारा नींद भी काला होता जा रहा है, पूरी रात काली हो जाती है हमारी. हाँ, लेकिन पुष्पा जी की इंसोम्निया की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई थी ना? आई मीन, हमें जहाँ तक पता है डॉक्टर ने तो इनफैक्ट उनकी नींद की दवाइयाँ भी बंद करवा दी थी. तो फिर? लेकिन डॉक्टर ने दवाइयाँ दोबारा स्टार्ट कर दी है. उनको बोला दवाई लेके सोए, लेकिन दवाई लेती ही नहीं है. बहुत जरूरी हो गया इनके लिए, वो दवाई लेने ही गई. अंकल ये चाहिए. ये तो स्लीपिंग पिल्स है. हाँ. लेकिन बेटा, इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ये पिल्स खाने की क्या जरूरत है? नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए, मम्मी को चाहिए. सॉरी बेटा, मैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तुम्हें ये गोली नहीं दे सकता. वो तो नहीं है, अब मेरा मतलब है कि है पर घर छूट गया. सिंपल है, तुम जाओ घर पे और लेकर आ जाओ. अंकल, घर ना बहुत दूर है. तो बेटा एक काम करो, घर पे फोन करके मैसेज पे मंगवा लो. अंकल, चॉकलेट तो दे ही सकते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, ये लो. अंकल, मम्मी को बोल के मैं मैसेज मंगवा लेती हूँ फोन पे, फिर आती हूँ. हाँ हाँ, तब तक के लिए रखो और चॉकलेट खाओ. लगता है ये सुन बोल नहीं सकते. लगता है मैडम सुन भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती. डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन. एक मिनट, बात कर सकते हो? मतलब आप भी बोल सकती हैं? अगर बात कर सकते हो तो फिर ये क्या था? मैंने समझा आप भी नहीं बोल सकती, तो आपको देखकर मैं भी इशारे करने लग गया. हम नींद की दवाइयां लेने के लिए आए हैं, वो दो. हम नींद की दवाइयां लेने के लिए आए हैं, वो दो. बड़ी जल्दी आ गई आप. मतलब? भई आप मम्मी है ना उस लड़की की? किसकी? अरे यही जो खड़ी है सामने. हाँ. ना ना, हम इसकी मम्मी कहाँ, ये तो हमारी बड़ी बहन जैसी है. हम नींद की दवाइयां लेने के लिए आए हैं, हमारे लिए. रात को आजकल नींद ही नहीं आती, इंसोम्निया, समझते हो? हाँ हाँ समझते हैं. आप प्रिस्क्रिप्शन तो दीजिए डॉक्टर का. कहाँ गया? आंटी जा. दीदी. हाँ दीदी, यहाँ यहाँ. हाँ, ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन. ये लीजिए. बिल पे कर दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ. भाई शुक्रिया. तो 2 मई को जो है जनता मंच का एनुअल फंक्शन है, वहाँ का पूरा सिक्योरिटी डिटेल, उसकी सारी अरेंजमेंट हम लोगों को करनी है. 3 तारीख को जो है हमारा अगला फंक्शन है. ना 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 रे बाबू. अरे अरे मैडम सर, एक तो पहले ही से गर्मी से बुरा हाल है, ऊपर से पंखा भी बदहाल हो गया.
क्या बताएं मैडम सर, कब का एप्लीकेशन दिए हैं विभाग में लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुआ। अरे टेबल फैन ना सही, कम से कम हाथ वाला पंखा तो देते, उससे राहत मिलता। इतना गर्मी में पंखा भी खराब हो गया, इतना गर्मी हो रहा है इसको। लीजिए लीजिए लीजिए, आप खुद हमारे लिए घर मिलाई ठीक थी ना मैडम। दसवीं परीक्षा के परिणाम से डरकर छात्रा ने की आत्महत्या। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? थोड़ा सा फेलियर क्या देख लिया, चल दिए जान देने अपनी। आई मीन एग्जाम ही तो है, इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है, इसमें हमें समझ में नहीं आता। मैडम सर सच बताए तो इस मामला में ना हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे ना, मतलब पूरा जिंदगी पूरा पढ़ाई के दौरान हमारे अभिभावकों का तनिक भी जोर नहीं था हम पर, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे ना ही डांटते थे। छठी तक जाते आते ना सब लोग समझ गए थे क्या कि जो भी इसको पढ़ाने का कोशिश करेगा ना उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। वो तो है, पर एक बात का यकीन हमको भी है मैडम सर कि आपके भी माँ बाप को आप पर बहुत ज्यादा यकीन होगा। हमको पूरा ऐसा भरोसा है कि वो लोग भी आपको बचपन में जोर नहीं देता होगा पढ़ाई करने के लिए। क्यों, उन्हें ऐसा लगता था कि हम भी तुम्हारी तरह पढ़ाई में फिसड्डी हैं? नहीं नहीं मैडम सर, क्या बात करिए, उनको यकीन होगा ना कि आप तो एकदम मतलब क्लास टॉपर है, स्कूल टॉपर है, एकदम सर्वश्रेष्ठ। अच्छा जी जी, तुम्हें कैसे पता? तुम चेहरा देखकर बता सकते हो कि हम बचपन में पढ़ाई में कैसे थे। विमेन साइकोलॉजिस्ट है मैडम सर, चेहरा देख के तो भांप ही सकते हैं ना कि कौन कितना ज्यादा मतलब पानी में है। अच्छा, ये जो भी चल रहा है रिजल्ट के प्रेशर के चलते, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं, कुछ तो करना होगा। वो सोच रहे थे बैठे बैठे साफ करके रखे। अच्छा, यही काम रह गया आप थाने में? डॉक्टर के गई थी? हाँ। दवाई ली? ली। कहाँ है? अरे लाए हैं हम, आपको भरोसा नहीं हम पे? नहीं है, नहीं है, हमको आप पे, आप पे भरोसा करें हम। हाँ, सरदर्द का दवाई दिया था? सरदर्द का दवाई लिया था? नहीं लिया था। पेट दर्द हो रहा था? पेट दर्द का दवाई लिया था? नहीं लिया था। इस बार हम आपका ना इतना सा भी चलने नहीं देंगे, दवाई तो आपको खानी पड़ेगी। दवाई दीजिए। अरे क्या कर रही है दवाई? अरे क्या कर रही है? बिल्लू दवाई ढूंढो, इसमें दवाई है नींद का, देखो। अच्छा दवाई ढूंढ रहे हैं, दवाई दवाई। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें तो ये संतरा नहीं, दवाई दवाई तो नहीं मिल रही। दवाई नहीं है ना? लखनवी मेडिकल स्टोर से हमने दवाई ली थी और इसी में रखी थी। तो दवाई कहाँ है? चुरा ली होगी किसी ने। अच्छा अच्छा, नींद का दवाई कौन चुराता है, उसका नाम बता दीजिए हमें। हाँ, अरे अरे, अरे आप बिल पे कर दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। वो लड़की। कौन लड़की? वो एक लड़की थी वहाँ दुकान में, हमारे बगल में खड़ी थी। वो मेडिकल वाला कह रहा था कि वो लड़की भी नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आई थी, लगता है उसी ने चुरा ली होंगी। पर्चा का है? वो वहाँ हम गलती से वहीं भूल आए हैं। पर्चा भी लेंगे लखनवी मेडिकल स्टोर ना, उधर भी जाएंगे, दवाई लेकर भी आएंगे और आपको खिलाएंगे भी। हाँ एक्सक्यूज मी, हम भी आपके साथ आती है। पकड़ो। सुनिए मैडम, मैडम पुष्पा जी करिश्मा सिंह कहाँ है? जैन मैडम। जैन मैडम, वो हमारे लिए नींद की दवाइयाँ लाने गई है। वो क्यों गई है? आप तो गई थी ना? जी हम गए थे, दवाइयाँ भी ली थी, पता नहीं कहाँ खो गई। खो गई मतलब? हाँ मैडम सर, जिस मेडिकल शॉप पर दवाई लेने गई थी ना, इनके बगल में एक लड़की खड़ी थी, तो पुष्पा जी को शक है कि वही लड़कियाँ इनका दवाई ढांप ली है ना? क्या पुष्पा जी, एक लड़की नींद की गोलियाँ क्यों? दसवीं परीक्षा के परिणाम से डर कर छात्रा ने की आत्महत्या। क्या क्या कहा आपने, कहाँ मिली थी वो लड़की? दवाई की दुकान में। कितने साल की होगी? यही कोई 15-16 साल की लड़की, कॉलेज जाने वाली। वैसे मैडम सर वो भी वहाँ नींद की दवाइयाँ ही लेने आई थी, मगर अच्छा। डॉक्टर की लिखित पर्ची नहीं थी ना उसके पास, तो इसलिए वो दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा था। वो लड़की नींद की गोलियाँ लेने आई थी? जी। क्या हुआ मैडम सर, आप कुछ परेशान लग रही हैं। पुष्पा जी उम्मीद कीजिए कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत निकले, उम्मीद कीजिए कि एक और लड़की कोई गलत कदम ना उठा ले। Yeah, sure. See you in the dismissal, okay? Bye, see you.
तो मेरे ख्याल से आस पड़ोस और रिश्तेदारों को मिलाकर आई थिंक 20 किलो लड्डू ठीक रहेंगे। ऐसा तुम्हें ठीक लगे? ठीक है, फिर मैं ऑर्डर दे देती हूँ। या अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि अमृता के फ्रेंड्स को बुलाते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स को, ठीक है? छोटी सी पार्टी हो जाएगी एंड उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये अच्छा ख्याल है। और हाँ, अगर वो इंदु का कॉल आए ना तो उसे इन्विटेशन बिल्कुल मत दीजिएगा। व्हाई? शी इज योर बेस्ट फ्रेंड ना? थी, पता है वो क्या कह रही थी कि आमो के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है और देखो भैया भाभी कैसे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे तैयारी कैसे नहीं करेंगे, हमारी आमो है, फेल कैसे हो सकती है? आई एम डैम श्योर मेरी सिस्टर टॉप करने वाली है क्लास में। अरे रिजल्ट्स उसे फॉर्मेलिटी है, अमृता तो पास ही होगी। चलो मेरे को डिस्कशन निकलना है। अरे दूध हाथ में पकड़ के क्यों बैठी हो अमृता, जल्दी पियो। कैसे बताऊं अपने भैया भाभी को कि ये जैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं फेल होने वाली हूँ, कितना डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है, इन्हें मेरी वजह से सबके सामने सर झुक जाएगा, कितना मजाक उड़ाएंगे सब इनका, मेरी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मेरे भैया भाभी को। पुष्पा जी, कुछ याद आया? नहीं नहीं याद आ रहा ना मैडम सर। कीजिए याद कीजिए, जरा जोर डालिए आप अपने दिमाग पर प्लीज। मैडम सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस लड़की ने आत्महत्या करने के लिए दवाई ना ली हो, कुछ और भी तो कारण हो सकता है ना, आप खामखा इतना परेशान हो रही है शायद। पुष्पा जी, आई होप आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच निकले, हम खुद गलत साबित होना चाहते हैं लेकिन हम कोई चांस नहीं ले सकते ना, उस लड़की के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा जी आप खड़े खड़े सो रही है, ये हद है, प्लीज कोई चाय पिलाओ इन्हें। नहीं नहीं, सुबह से 10 चाय पी के बैठे हैं, आपको तो पता है हमें एसिडिटी बहुत होती है चाय से। ना 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 पुष्पा जी, बदनामों का सड़ियल चाय छोड़िए, ई टिराई कीजिए, ई है जादू का काढ़ा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? मैडम सर, ई पूछे इसमें का नहीं है, दिव्य काढ़ा है मैडम सर, एक बारी हलक से उतर कर अंदर गया ना, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ भक से बाहर आ जाएगा। अरे आपको मालूम नहीं इसमें का मिला हुआ है, इसमें मिला है नीम, करेला, मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, पुदीना, ककरौंदा, सब कुछ मिलाकर दिव्य मिश्रण तैयार हुआ। पुष्पा जी पीजिए। फैंटास्टिक, आइए पुष्पा जी आपको मिलाएं। शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन, पी जाइए पी जाइए। अंदर 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 कीजिए। इतनी इतनी सी लड़की थी, दो लंबी चोटियां थी, यहाँ होठों पे एक तिल था, नीले रंग की जीन्स पहनी थी, ब्राउन रंग की टी शर्ट थी और उस पे ऐसी ऐसी पट्टियां थी और हाथ में 10वीं की कुछ किताबें थी और 10वीं की सुंदर लड़की थी, मतलब हमारी जितनी नहीं मगर सुंदर थी। बाप रे। नहीं नहीं, एक सेकेंड, 10वीं की किताबें क्यों होंगी, एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, तो फिर कोई भी बच्चा एग्जाम खत्म हो जाने के बाद बुक्स लेकर घूमेगा ही क्यों? नहीं नहीं मैडम सर, क्या होता है ना कि परीक्षा के बाद से लड़का सबके पास जो किताब रहता है ना, तो या तो लड़का लोग किताब अपना किसी जरूरतमंद को दे देता है सब, या फिर उसी किताब को आधा दाम में रद्दी में बेच देता है सब, तो इसीलिए शायद किताब लेके घूम रही होगी बेचारी। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर एक काम करो, पुष्पा जी वो उस मेडिकल स्टोर का नाम क्या था? तराई कीजिए। लखनवी मेडिकल स्टोर। ओके वेरी गुड। चीता चतुर्वेदी एक काम कीजिए, उस मेडिकल स्टोर के आसपास जितनी भी रद्दी की दुकानें हैं वहां जाइए, वहां पता लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में 15-16 साल की किसी लड़की ने कोई एग्जाम की किताबें बेची हैं, खरीदी हैं, कुछ भी, और उसके जरिए उस लड़की के बारे में सुराग निकालिए, हो जाएगा? जी मैडम सर। ओके गुड। भाई साहब, जब वो पर्चे वाली आंटी आपसे जब नींद का दवाई ले रही थी तो कोई 13-14 साल की लड़की भी थी क्या, मतलब आई हो आपके पास, उसको भी नींद का दवाई चाहिए था का? जी हाँ बिल्कुल, वही तो लड़की थी वो जिन्होंने उनको आंटी बोल दिया और बात का बतंगड़ बन गया। उस लड़की का क्या बताओ, आंटी आंटी पे आ रहे हो आप। वो नींद की गोली लेने आई थी और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाई नहीं थी, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम कोई दवा दे नहीं सकते, अलाउ ही नहीं है। बहुत बढ़िया काम किया आप, ऐसे दवाई कभी देना भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। वैसे आपको क्या चाहिए भाई साहब? आपको क्या लगता है मैं बीमार हूँ?
हाँ 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 मैं बीमार हूँ बीमार हूँ। नहा के बाहर निकलता हूँ तो गीला हो जाता हूँ, नींद में सोता हूँ तो आंखें खुली रहती है, खाना खाता हूँ तो भूख नहीं लगती। इसकी दवाई यहाँ सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है लड़की की? जब वो यहाँ थी तो सीसीटीवी फुटेज मिलेगा? जी मैडम बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ। बिल्ले? हाँ देख रहा हूँ मैं। देख रहे हो बिल्ले, जब सामान गिरा और सामान जब बैग में रखने लगी ना, हमको लगता तभी उसने अदला बदली कर लिया, इनकी दवाई जो है उस पे झपट्टा मार लिया। नहीं नहीं मैडम, आप ये अज्यूम कर रही हो, मतलब सीसीटीवी फुटेज में वो दिख नहीं रहा है कि उसने नीम की गोली चुराई है ये या ली है, वो नहीं दिख रहा है। बिल्ले लड़की तो किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, क्या हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है? और हम नहीं चाहते अब कोई भी लड़की अपने आप को तकलीफ पहुंचाए, ये हम तो होने नहीं देंगे, इसलिए हमको ना इस लड़की तक पहुंचना पड़ेगा, समझ लो। भाई साहब आप हमारा थोड़ा मदद कर सकते हैं क्या, कुछ बता सकते हैं कि हम इस लड़की तक कैसे पहुंच सकते हैं? जी नहीं मैडम, जो मुझे मालूम था वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। हाँ एक मिनट, मुझे आपसे कुछ चाहिए, एक चॉकलेट दो। थैंक यू। नींद की गोली भी देना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ये प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा 350 रुपए। पैसे कौन देगा? पैसे? हाँ पैसे हम देंगे, चॉकलेट के 370 रुपए दे। 370 रुपए? महंगाई कितनी बड़ी है। मैं अपना वॉलेट लाना ही भूल गया, आप पे कीजिए। हम भी वॉलेट नहीं लाए। वैसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पे कर दो। मेरा रिचार्ज नहीं है। तो कहाँ आए हो? मैडम एक सेकंड, ऑनलाइन से याद आया मुझे, उस लड़की ने भी चॉकलेट लिया था और उसने भी ऑनलाइन पे किया था। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। हाँ? भाई साहब आपने, क्या बात है भाई साहब, आपने दिल जीत लिया। बताइए डिटेल्स दीजिए। ये देखिए मैडम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो बिल्ले इस लड़की को ढूंढते हैं। ओके, ये सामान थाने में भिजवा देना। पेमेंट? पेमेंट वही हो जाएगा। आप वहाँ कॉन्स्टेबल हैं क्या? मैं कैदी हूँ, आई एम द स्पाय, किसी को पता ना मत। हो गया? हाँ हाँ चलो आप भिजवा दीजिएगा। चलो चॉकलेट एकदम पिघल नहीं गई है, दूसरे नहीं मिल सकती। ये सब क्या है? मैडम सर, मैडम सर आप ही बोली थी ना कि मेडिकल स्टोर के आसपास जितना भी रद्दी वाला दुकान है हम वहाँ पर जाएं और उन लोग से पूछें कि 10वीं कक्षा की कोई लड़की अपना किताब बेच कर गई है क्या? हाँ तो? हाँ तो हम सारे रद्दी वाले दुकान पर गए और बहुत सारी लड़कियाँ आई थी मैडम सर, बहुत सारा किताब बेच कर गई थी, तो हम का कहें सारा किताब ला कर यहाँ पर आपके सामने रख दिए। अब आप इनमें से अपनी वाली लड़की को ढूंढ लीजिए। ठीक है, गुड जॉब। एक काम करो, तुम एक एक करके हमें सारी लड़कियों का नाम बताना शुरू करो। पुष्पा जी यहाँ आइए। पुष्पा जी, पुष्पा जी, मैडम सर बुला रही है, मैडम सर बुला रही है, जाइए जाइए। पुष्पा जी यहाँ आइए। वो तो ठीक है मैडम सर, मगर हम लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या? नहीं मतलब हम लड़की के बारे में कुछ जानते नहीं ना। हाँ लेकिन चेहरा पहचानते हैं ना, सोशल मीडिया से मदद करेगी, आप यहाँ तो आइए। अच्छी था, नाम बताना शुरू करो। काढ़ा पी लीजिए, थोड़ा सा मदद मिलेगा। पी लीजिए। बताओ। गीता कुमारी। युक्ति जायसवाल। अमृताप दुबे। अमृता दुबे ये है। यही यही तो है वो लड़की, यही है। हाँ हाँ पक्का। क्या हुआ मैडम सर? अब कुछ नहीं। लिखा हुआ कहाँ चली गई है इसे? आप जाके सो जाइए थोड़ी देर। गजब कर रही है पुष्पा जी, हमारा कुछ नहीं। चीनी कितना? एक चम्मच, दो चम्मच? पगला गए हो क्या? बिल्कुल भी जो काम करने आए वो करे, या चीनी या चाय पिए यहाँ पे?
की चाय के साथ अच्छा काम होता है, इसीलिए मेडिकल स्टोर वाले ने जो नंबर दिया है ना, कोई पक्का एड्रेस नहीं बता रहा है, लेकिन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है कुछ तो। ये वो मोबाइल नेटवर्क वाले ना एग्जैक्ट एड्रेस बता दिए। इतना टाइम किसके पास है, किसके पास है? तुम्हारे पास है इतना समय कि हम इतना वेट करें कि वो हमें एकदम एग्जैक्ट एड्रेस निकाल के दे? नहीं ना, वो लड़की कुछ कर लेगी अपने आप, हमें वो नहीं होने दे सकते, हमें उस तक पहुंचना ही होगा बिल्ले। चाय कैंसिल, टाइम नहीं। और लीजिए। I'm done, बस। अरे अमृता, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। क्या हुआ अमृता? हम कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान क्यों हो, रिजल्ट से पहले सबको टेंशन होती है, बट डोंट वरी, तुमने बहुत मेहनत की है और डेफिनेटली तुम पास भी हो जाओगी, और उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा तुम्हें बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का। यस, गेटिंग इनटू द बेस्ट कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिसाइड योर फ्यूचर। ओके, आई एम गेटिंग लेट, तो बाद में मिलते हैं। अरे फोन भूल गए। हेलो हेलो, मैं बी एड्रेस निकालो बस। एड्रेस बताओ। हेलो, मैं बिट्टू आपका दोस्त, हमारी कंपनी का नाम है जहा जन्नाटा, और आपको मिलता है सनसनाता गिफ्ट, दो लोगों के लिए 4 रातें 3 दिन यूरोप का सनसनाता टूर पैकेज एकदम फ्री 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 फ्री। बस एड्रेस कंफर्म करना है, सन्नाटा बिल्डिंग। नॉट इंटरेस्टेड। हेलो हेलो, क्या तुम्हारे अंदर पुष्पा जी की आत्मा आ गई है क्या? जितना ओवर एक्टिंग कर रहे हो, झनझनाटा ये और सनसनाटा ये, रियल नहीं तो क्या तुम रायता बेच रहे हो क्या लड़की को? रियल लगना चाहिए इसलिए। पकड़ो इसको, हमारे फोन से करना हो। नंबर बोलो। नंबर ये। हेलो, जी मैं पिज्जा कॉर्नर से बोल रही हूँ, आपने पिज्जा ऑर्डर किया था, हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो अटक गया है, वो आपका एड्रेस तक पहुँच नहीं पा रहा, तो आप हमें कंफर्म कर देंगे आपका एड्रेस? पर मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर किया ही नहीं है। दिस माइट बी अ रॉन्ग नंबर। नहीं नहीं नहीं, आपके यहाँ से ही पिज्जा ऑर्डर हुआ है, आप शिवनगर में रहती है ना? नो, ये श्रृंगार अपार्टमेंट है। अच्छा अच्छा, तो आप कविता बैनर्जी नहीं बोल रही है? नहीं, मैं कविता बैनर्जी नहीं हूँ। तो क्या है आपका नाम? आपको मेरे नाम से क्या लेना देना है? मैंने कहा ना कि मैं कविता बैनर्जी नहीं हूँ। अमृता, क्या कर रही हो? भाभी रॉन्ग नंबर। चलो बैठो, खाना खाएं। अमृता, मैडम सर, उस लड़की का नाम और चेहरा तो हम जानते हैं, मगर उसका आता पता कुछ मालूम नहीं है, तो फिर? उसका पता भी बहुत अच्छे से जानते हैं पुष्पा जी। अच्छा, आप जानती हैं, मतलब आप उस लड़की को भी जानती हैं, तो ये तो अच्छी बात है। फिर आगे क्या सोचा है? Madam, your job is always good, absolute good, but आगे क्या? अमृता, देखो कौन है? अरे देखो ना, क्या कर रही हो खड़े खड़े? ऐसा है, करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। क्या सेवा कर सकते हैं हम? तलाशी लेनी, घर का तलाशी लेना। हमें अपना काम करने दी। हमारे घर में से क्या तलाशी क्यों लेनी? देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए, दो कोल्ड ड्रिंक लाजिए। ऐसे कैसे आप लोग घर पे घुस रहे हैं? तलाशी लीजिए,
पुष्पा जी से ही तलाश ले रही थी। पुष्पा जी को बुलाते यहाँ लाते, मुझे क्यों लाया? उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, सिर्फ अंगड़ाइया लेती रहती है, किसी काम की नहीं रही है पुष्पा जी। इसलिए तुमको लेकर आया, तुमको कोई एतराज है? पुष्पा जी आप तलाशी लीजिए। हाँ हाँ बेबी, कोने में खड़े हो जाओ, डिस्टर्ब मत करना। क्या है, क्या कर रहे हैं ये? क्या पिंजरा खाली पंछी का है? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे कैसे मेरे घर में घुसकर? हम देखो, हम पुलिस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तलाशी ले रहे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं। क्या ढूंढ रही हैं आप, मुझे बताएंगी? मिल जाएगा तो आपको बता ही देंगे। आपके पास वारंट भी नहीं है? मैडम कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ है ही नहीं। मिलेगा, अंदर अंदर तलाशी लीजिए ना। अंदर क्या है? अंदर किचन है, पर आप वहाँ नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं। लेट माय हस्बैंड कम, वो बताएंगे आपको। इनको भी देख लेंगे। आ गए। हम है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आप भी पुष्पा सिंह हैं? ये भी कौन है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो हम पूछ रहे कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बताते हैं। आप हमसे पहले यहाँ खड़ी हैं। आप बताइए आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? तलाशी लेने आ गए थे यहाँ पे, हमको लगा कि आप। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अरे हम एक ही थाने से तो हैं। पर अगर आप पुष्पा सिंह हैं तो फिर वो कौन है? अरे बताइए, पुष्पा सिंह पूरी दुनिया में एक ही हो सकती है। लेकिन पुष्पा सिंह को अंदर कुछ नहीं। ये कौन है? पुष्पा सिंह। अरे हम हैं पुष्पा सिंह, ये देखो। हम हैं पुष्पा सिंह, ये देखो। इतनी गंदी, इतनी वाहियत, आप बताइए पुष्पा कितनी सुंदर दिखती है, ये इतनी खतरनाक नौखूखा दिखती है पुष्पा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बताओ तुम। पुलिस बचाइए, पुलिस बचाओ, बताओ। बिल्ले, एक तो वीक नहीं देती हूँ, जो है वो भी निकाल लेती हूँ। मेरा क्या, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए ना क्या कर रहे हैं। इस तरह अमृता और उसके भाई का थाने में आना जरूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। करिश्मा सिंह, क्या कर दिया आपने? ये जो आप लोग इल्लीगली मेरे घर में घुसे हो ना, यू ऑल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। देखिए शुक्र मनाइए कि हम टाइम पे पहुंच गए और आपकी जो ये छुटकी है ना, उसको हमने बचा लिया है। जान देने वाली थी। What? नींद की गोलियां चुराई है उसने इनके पर्स में से, नींद की गोलियां खाने वाली थी। बताइए ना पुष्पा जी, बताइए इनको। जी आर यू क्रेजी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मेरी बहन और सुसाइड, वो ऐसा कैसे सोच सकती है? ओह सो नाउ आई गेट इट, आप लोग जो ये फोर्सफुली घर में घुसकर तलाशी ले रहे थे, यू वांटेड समथिंग टू प्रूव कि हमारी अमृता कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश कर रही है। ली ना तलाशी, मिला कुछ? नहीं नहीं, घर की तलाशी ली है, लेकिन आपके सिस्टर की तलाशी लेना बाकी है। हाँ तो लीजिए ना तलाशी, ये यही है। बेबी कोने में खड़े हो जाओ, डिस्टर्ब मत करना। क्या है? हैप्पी हो गई तसल्ली? बुलाइए अपने सीनियर को। मैडम सर। हाँ बाहर बवाल हो रहा है, आप यहाँ पर आप आइए, बाहर समझाइए। हाँ हाँ हमने देखा, हमने सुना सब कुछ। फिर भी आप, मैडम सर आप थाना प्रमुख हैं, आपके मार्गदर्शन के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये आप ही कोई संभालना होगा आगे, फिर हम आगे देख लेंगे। वो अमृता, उसका भाई पुनीत कुमार और उसकी भाभी सब यहाँ पर आए हुए हैं और कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि अमृता जो है वो ये कदम उठा सकती है। आपको बाहर आना होगा, समझाना होगा। चलिए चलिए आइए।
देखिए करिश्मा सिंह, आप जाइए बाहर, उन सबसे माफी मांगिए और इस मामले को जितना जल्दी हो सके रफा दफा कीजिए। माफी? हम? हाँ, पर मैडम सर, हम तो आप ही के कहने पे ना गए थे वहाँ पे, और उस लड़की को हमने गलत कदम उठाने से रोका है, तो फिर हम माफी कहाँ मांगे जाके? एक सेकंड, हमारे कहने पर आप उनके घर में फोर्सफुली घुसी थी बिना किसी वारंट के, हमारे कहने पर आपने उनके घर की तलाशी ली थी। देखिए करिश्मा सिंह, ये रायता आपने फैलाया है, तो आप ही समेटिए, हमारा बाहर आने का कोई मतलब बनता है। एक मिनट मैडम सर, उस बच्ची की जान का सवाल था, अब हम बच्ची की जान देखते या फिर कानून कायदे देखते, आप ही बताइए हमको। अच्छा ठीक है, क्या आपको उसके घर पे ऐसी कोई भी चीज मिली, स्लीपिंग पिल्स या कोई भी काबिल एतराज चीज जिससे हम ये साबित कर सकें कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है? नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है। हो सकता है हमारे पहुंचने से पहले उसने वो छुपा दिया हो या फेंक दिया हो, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हाँ तो ठीक है ना, फिर जब हमारे पास साबित करने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं है, तो फिर हमारा बाहर आकर उसके भाई से बात करने का क्या मतलब बनता है? 2 साल से पिछले हम यही कर रहे हैं करिश्मा सिंह कि आपकी नीयत अच्छी है लेकिन आपका तरीका गलत है। हम बाहर आकर ये सब एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ये आपका फैलाया हुआ रहता है। हम माफी मांग लेंगे, आप कह रही हैं तो मांगना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैडम सर, यहाँ बात हमारी माफी मांगने की नहीं है, बात उस बच्ची की है। आज तो हमने उसको वो गलत कदम उठाने से रोक लिया, कल किसका गारंटी है कि वो दोबारा ट्राई नहीं करेगी? हाँ, आपको नहीं लगता कि उसके भाई भाभी को हमें बताना चाहिए कि उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है? हमें उसको समझाना होगा, हमें बताना होगा। तो ठीक है ना करिश्मा सिंह, आप जाइए और ये बात बाहर जाकर उन्हें समझाइए अच्छे से। आप ये काम खुद भी तो कर सकते हैं ना, हमारा आने का कोई मतलब नहीं। मैडम सर, दैट्स नॉट अ करिश्मा सिंह, आप जा सकते हैं। कहाँ है मैडम सर? देखिए ऐसा ही, हमसे गलती हो गई है और हम सबके सामने आपसे माफी मांगते हैं। You better be. चलो। अरे मगर हुआ क्या? नहीं पढ़ना है उनको इस पछड़े में, नहीं करना चाहती वो ये वाला केस सॉल्व। तो भाई अब तो जो भी करना है वो हमको ही करना है। तो अभी हमको क्या बनना है? अभी सोते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ नहीं, हमारा दिमाग चल रहा है। उठिए। चुड़ैल, डायन, जी आप उठ गए? तो क्या सोचा है आपने? हमने क्या सोचा है, पूरी रात जो ये आपका सास बहू और साजिश चलता रहता है ना, उस चक्कर में हम सो नहीं पा रहे हैं। कितना मतलब कितना आपने दिमाग का हमारा दही कर रखा, हम कब सोचे हमको समझ में नहीं आता, कब सोचे बताइए? सोचा है। सुनिए, अरे चुड़े, सुनिए तो। लाओ जहर दो। अरे हम आपसे बात कर रहे थे ना, बिना बात सुने आप चली आई वहां से। आप बोले। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए कल हमारे पास नीम की दवाइयां नहीं थी, आज तो लेकर आए हम। आज तो हम चद्दर तान के सोएंगे और आप भी सो जाइए। आज कल परसों तरसों नरसों सारा नींद का कोटा पूरा कर दीजिए, ठीक है? तुम जहर लाओगे? मैडम चाय तो नहीं है। का मतलब चाय नहीं है? मैडम दरअसल बात यह है मैडम, कल बच्चों के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और सब जगह लड्डू के ऑर्डर मिल रहे हैं। इस झापड़ी को भी लड्डू का ऑर्डर मिला मैडम, हम उसी की तैयारी में लगे। आज चाय नहीं, आज सिर्फ मोतीचूर के लड्डू मैडम। बताइए बच्चों के नसीब इतने खराब हो गए कि उनको बदनाम के हाथ के लड्डू खाने पड़ेंगे। खैर जो बच्चे पास हो जाते हैं उनके लिए तो ठीक है, ये खुशी के मारे लड्डू बन रहे हैं, मगर जो बच्चे किसी कारणवश कम मार्क्स लेकर आते हैं या फेल हो जाते हैं उनका क्या है? उनको ऐसा लड्डू बटते हुए देखकर उनके दिल पर कितनी छुरियां चलती होगी, उनके आत्मविश्वास को कितनी ठेस पहुंचती होगी। हमें तो लगता है ना इस सब के पीछे ना उनके माँ बाप, उनके घर वाले और उनके शिक्षक जिम्मेदार हैं। क्या हुआ इकबाल? हमें हमारे अब्बू की याद आ गई। जानती पुष्पा जी, कितने भी नंबर ला दो हमारे पार धोने पे, हमारे अब्बू ने कभी गुड़ का डेला तक नहीं बांटा। कुछ भी नंबर ला बोलते तो ये भी कोई नंबर ना लाए। अबे झाबड़ी के,
मेरा बाप भी यही बोलता था मेरा बाप। बेटा जब तू 100 के ऊपर नंबर लेकर आएगा ना, तब तू मुझे मिलना। तो क्या, वो दिन है और आज का दिन है, मेरे बाप ने मेरी शक्ल नहीं देखी है। खैर छोड़ो। हाँ पुष्पा जी, हम ये कह रहे थे कि करिश्मा मैडम के लिए तो लड्डू बांटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि स्कूल से इनको इतने अंडे मिले होंगे। अरे इनके माँ बाप को छोड़िए, इन्होंने आज तक हमें भी लड्डू बांटने का मौका नहीं दिया। एक बार जाओ जाओ जाओ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा जबान कुछ ज्यादा ही चल रहा है? एक शब्द और बोला ना, तुम्हारी हड्डियों के हड्डी चूर के लड्डू बना देंगे, ठीक है ना? हम तो लड्डू बांटते हैं, लड्डू। तो मतलब हम देखते हैं लड्डू कैसे बेचता है। दिमाग कथई करके रखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा कि अमृता को कैसे समझाएंगे हम। अरे उसकी चिंता मत कीजिए, हम समझा देंगे उसे। बस हमें चिंता हो रही है वो अभी तक आई कैसे नहीं। दो बढ़िया सी चाय देना। ए बिलोटे, तुम सियोर है ना कि लड़की अमृतवा इसी रास्ते से आएगी? गधे की लात पर और बिलुद्ध स्पाई की बात पर कभी संदेह नहीं करते निठल्ले। तुम क्यों ऐसे कांप रहे हो? नर्वस यार हैं बिलोटे, नर्वस यार हैं। क्यों? काहे नहीं नर्वस यार? तो करिश्मा मैडम को कहा बोली है? कहा बोली है ना कि जो लड़की है अमृता, उसको सीधा ऐसे पकड़ना है, छाने लेकर आना है। ऐसे कैसे पकड़ ले यार? ना ही कोई ऑफिशियल परमिशन है, ना ही FIR है, ना ही कोई कागज है, कैसे पकड़ ले? चिते निठल लेना, तू ऊपर से पुलिस है, अंदर से एकदम गाय है, तेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है तेरे लिए। लेकिन पुलिस वालों को कभी कभी गाय छोड़कर सांड की तरह सख्त होना पड़ेगा। वो आ गया। हाँ वो देखो आ गई। चल बोलो मां, सांड हो तुम, सांड की तरह बात करो। हेलो, हमारा नाम सीता चतुर्वेदी है और आपसे एक ऐसे पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट था कि आप थोड़ी देर के थाना चलिए ना। क्यों? वो आपसे मिलना चाहती है ना। कौन मिलना चाहती है? हमारे सीनियर हैं करिश्मा सिंह, वो आपसे मिलना चाहती हैं। नहीं मुझे नहीं जाना है, आप जाइए वरना मैं भैया को कॉल कर दूंगी। कड़क सांड। हे लड़की, थोड़ा दिमाग थोड़े घुटने बिछा है क्या? ये फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा जिसमें एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन है। ऑर्डर दे रहा हूँ, खाने चलो चुपचाप। ठीक है, मैं भैया को कॉल करके बुला लेती हूँ, फिर चलती हूँ आपके साथ थाने। एक मिनट। नहीं, डर गई छोटी बहन, छोटी बहन डर गई। अपने भैया को फोन कर रहे थे? हम भी आपके भैया को बताएंगे कि पुष्पा जी के बैग से आपने नींद की गोली कैसे चुराई। हमारे पास सबूत है, सबूत के बल बूते पर बोल रहे, ये देख। और आपने गोली चुराई? हाँ, तो क्या फोन करिए आप या मैं? देखिए प्लीज आप भैया को ये बात मत बताइएगा। आप चाहते कि मैं आपके साथ थाने चलूँ ना? मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज आप ये वीडियो ना भैया को मत दिखाइएगा, प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, आप भी फोन मत कीजिए अपने भैया को। कम बैठ। कहिए, सबसे पहले तुम बैठो। हमें पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, हम सब समझ रहे हैं। एक हम पे विश्वास करो तुम, जो तुम्हारी और हमारी बात जो यहाँ होगी ना, यहीं रहने वाली है। तुम्हारे भैया भाभी को कानों कान खबर नहीं होगी इस बारे में। देखो किसी ने ना बहुत अच्छा लिखा है, कभी भी आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं ना, उसमें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी नई चीज का शुरुआत करते हैं तो वो शुरू से शुरू नहीं होता है, वो एक अनुभव से शुरू होता है, और अनुभव कभी हारता नहीं है। हार और जीत महज वक्त का एक खेल है। और वक्त से कभी हारा या जीता नहीं जा सकता, वक्त से सिर्फ और सिर्फ सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है हौसला, कुछ करने का हौसला। और पता है क्या, असली शूरवीर वो नहीं होते जो कभी हारते ही नहीं, असली शूरवीर वो होते हैं जो अपनी हार को जीत में बदल देते हैं। आप? ये हमारी मैडम सर है, SHO हसीना मलिक, थाना प्रभारी। हमको लगता है कि मैडम सर आपको इनका काउंसलिंग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करिश्मा सिंह, ये आपका केस है, प्लीज कंटिन्यू, हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। प्लीज बैठिए। जी सिट। देखो ये हार जीत जो है ना, ये हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है, हमारे जीवन का भी रहा है।
हम भी हारे हैं, हम भी बहुत बार फेल हुए हैं अपनी क्लास में, सच में। और नहीं तो क्या? अरे ऐसे कौन सा पेड़ है जिसे हवा नहीं लगी है? ऐसा कौन सा इंसान है जो जिंदगी में कभी हारा नहीं है? अब हमें ही देख लो, हमारा लल्ला जिद पकड़ के बैठा था कि उसी से शादी करूंगा, उसी से शादी करूंगा। अब हमने भी उसकी शादी करा दी, हो गई ना हमारी हार जिंदगी में। इनके कहने का मतलब ये है कि हार से इंसान बहुत कुछ सीखता है। ये सब आप लोग मुझे बस सुनाने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं नहीं रिलैक्स, हम तुम्हें सुना नहीं रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि हार और जीत का सामना तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो तुम हो या हम हो। नो, आई डोंट एग्री। मेरी पूरी फैमिली हाईली एजुकेटेड है, सबका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लियर है, मेरे फैमिली में कभी कोई फेल नहीं हुआ है। पर यू नो व्हाट, अब मैं फेल होने वाली हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ी लूजर हूँ। लूजर! और आप मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे रुको अमृता, रुको, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मैं अपने बाकी फैमिली मेंबर जितनी ना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड नहीं हूँ। आपको पता है घर पे भैया ने खुशी में पार्टी रखी है, वो भी मेरे पास होने की खुशी में। उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इनवाइट किया। जब उन सब के सामने मेरा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में फेल ये लिख कर आएगा, तो मेरे भैया को कैसा लगेगा, कैसे फेस करेंगे वो सबको। इसीलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। तुम्हारे भैया की तो करिश्मा सिंह, मतलब हम उनको समझाएंगे, हम उनको बताएंगे कि वो नहीं, 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 प्लीज प्लीज। देखिए आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप यहाँ की कोई भी बात भैया को नहीं बताएंगे, और आपको आपके प्रॉमिस पर रहना ही होगा। अब मैं सब समझ गई हूँ। अभी आप लोगों ने जो भी समझाया ना, वो सब मैं समझ गई। ऐसी वैसी मैं कोई हरकत नहीं करने वाली। अब प्लीज ट्रस्ट में, सुसाइड तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मेरा पूरा ब्रेन वॉश हो गया। हाँ, अब थैंक यू सो मच। एक मिनट, कहाँ कहाँ थैंक यू, चूरन समझियो क्या तुम पुलिस को? हाँ, तुम्हारी जरा सी बच्ची की बातों में हम आ जाएंगे? तुम्हारे भेजे में जब तक ये बात नहीं घुसेगी तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। यहाँ बैठो, आओ चलो। आप करिश्मा सिंह, ये आप क्या कर रही हैं? वही जो हमें करना चाहिए मैडम सर, हम इसके भैया को यहाँ बुलाएंगे, उनको बताएंगे कि कितने घातक विचार लेके चल रही है उनकी बहन। और क्यों मानेंगे वो, क्या सबूत है आपके पास? सबूत नहीं था हमारे पास, लेकिन अब है हमारे पास सबूत, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया। देखिए, कल भैया ने मेरे पास होने की खुशी में घर पे पार्टी रखी है। जब सबके सामने मेरा रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में फेल ये लिख कर आएगा, तो भैया को कैसा लगेगा। इसीलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। करिश्मा सिंह, ये करने से क्या होगा? थोड़ी देर के लिए इसके माँ बाप, इसके भाई मान जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन ये इस प्रॉब्लम का सलूशन तो नहीं है ना। इसका इरादा बदलने के लिए हमें सोच बदलनी होगी। उसके लिए जज्बात चाहिए मैडम सर, और हमारे जज्बात का कोटा जो है वो खत्म हो चुका है हमारे अंदर, और जज्बात बचे नहीं हैं। और वैसे भी आप तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी, आपने तो स्टार्टिंग में पल्ला झाड़ लिया था, तो फिर अब कहाँ इन्वॉल्व हो रही है? हमें करने दीजिए ना हमारे तरीके से अपना काम। ठीक है, आपका केस है, करिए अपने तरीके से। तुम आओ बैठो। मैडम सर? जी कहिए। मैडम सर, हमने पहली बार आपको आपके जज्बातों से और आपकी जिम्मेदारियों से भागते हुए देखा है ना। जब से ये अमृता का केस आया आप परेशान सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कोई बात है जो आपको तंग कर रही है, कुछ ऐसा है? तो मैडम सर आप हमें बताइए, हमसे शेयर कीजिए, कुछ हल निकालते हैं। अमृता का भाई पुनीत, बहुत सालों पहले हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वो हमारा क्लासमेट है।
स्कूल खत्म हो जाने के बाद हम कभी किसी से दोबारा मिले नहीं, हमारा मिलने का मन भी नहीं था, कोई जानता भी नहीं है कि हम कौन हैं और क्या करते हैं। पुनीत भी नहीं जानता कि वो जिस थाने में अपनी बहन का केस लेकर आया है उस थाने के SHO हम हैं। और कल अचानक इतने सालों बाद हमें स्कूल के ग्रुप पर हमें मैसेज आया है कि पुनीत ने एक रीयूनियन की पार्टी रखी है जिसमें उसने सबको बुलाया है, हमको भी। तो ये तो बहुत अच्छा बात हुआ मैडम सर, आप अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलेंगी, पुरानी यादें ताजा करेंगी, और हो सकता है मैडम सर कि अमृता का जो मुश्किल केस है वो वहाँ पे हल हो जाए। हम भी जरूर चाहेंगे कि ये केस सॉल्व हो जाए, लेकिन हम पुरानी किसी भी याद को ताजा नहीं करना चाहते करिश्मा सिंह। हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचना तक नहीं चाहते। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर, गुजरा हुआ वक्त, पुरानी यादें, ऐसा क्या हुआ था? बचपन में कुछ हुआ था हमारे साथ जिस बात का डर अब तक हमारे मन में बैठा हुआ है। डर? और आपको? लेकिन मैडम सर आप ही ने कहा था कि बचपन में स्कूल के टाइम में आप काफी दबंग रही हैं, आप हमसे भी ज्यादा अड़ियल रही हैं और आपका काफी भौकाल था, तो फिर डर किस बात का? अच्छे अच्छों को आ जाए पसीना जब अपने पे आ जाए हसीना, यही कहा करते थे ना सब आपको। हाँ हमने कहा था, लेकिन ये बात की बात है, हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो तब था जब अब्बू का नया नया यहाँ ट्रांसफर हुआ था, हम नए नए स्कूल में गए थे और फिर कुछ हुआ था हमारे साथ, बट लेकिन उसके बाद हम बड़े हो गए, वो हसीना मलिक बन गए जिसे आप जानती हैं, दबंग निडर। लेकिन वो एक बात, वो एक हादसा, उसका डर अब तक है हमारे मन में, चाहकर भी हम उसे निकाल नहीं पाते। ऐसा क्या हो गया मैडम सर आपके साथ, हमें बताइए ऐसा क्या हुआ था? नहीं छोड़ दीजिए करिश्मा सिंह, रहने दीजिए, पुराने जख्म कुरेदने से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होती है। सच बात तो यह है कि हम उस वक्त भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए थे और आज भी नहीं कर पाएंगे, हम उतने मजबूत हैं ही नहीं। का? आपने कहा कि आप मजबूत नहीं हैं? आप कितनी मजबूत है ना मैडम सर, ये आप हमसे पूछिए। आप कितनी मजबूत है ना मैडम सर, ये आप उस हर औरत से पूछिए जो आपको देखकर अपने औरत होने पर गर्व महसूस करती है मैडम सर, और आप कहती हैं कि आप मजबूत नहीं हैं। मैडम सर हसीना मलिक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, हसीना मलिक ना उस सोच का नाम है, एक ऐसी सोच जिसने पता नहीं कितनी लड़कियों को अपने बूते पे पहचान बनाने की प्रेरणा दी है मैडम सर, और आप कहती हैं कि आप मजबूत नहीं हैं। अब तो ये केस और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैडम सर ही सॉल्व करेंगी। देखिए हम नहीं जानते कि आपके पास्ट में आपको क्या दर्द मिला है, आपके साथ क्या हुआ है जिससे आप ऐसे महसूस कर रही हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कोई भी जख्म मैडम सर की सहन शक्ति और उनके हौसले से बढ़कर हो ही नहीं सकता है। आप तुरंत उनको मैसेज कीजिए और आप उनको बोलेंगे कि आप वो रीयूनियन पार्टी में जा रही हैं, आप उनको फेस करेंगी और सारे दर्द को भगा देंगी अपनी जिंदगी से मैडम सर।